एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी मैं बना रही हूँ घी, क्योंकि मुझे घी बनाना था। तो ये बन रहा है मेरा घी। देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है मेरे घी का। कल है मंगलवार, तो कल लास्ट बड़ा मंगल है, तो मैंने सोचा है मैं बनाऊंगी अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू, तो वही बनेगा शाम के टाइम पे। अभी मैं बना रही हूँ चॉकलेट शेक, और मैंने मंदिर के लड्डू बनाए हैं अभी मोतीचूर के। तो ये अभी नॉर्मल दही हैं खाने के लिए, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, तो ये दो ही लड्डू हैं खाने के लिए। और चॉकलेट शेक भी जस्ट बन गया है, सिर्फ बेसन के लड्डू बनाने हैं। और मैंने उसी में सोचा क्यों ना बूंदी भी बना ली जाए, तो यहाँ पे मैंने बूंदी बना ली है फ़िलहाल। ये अभी थोड़ी सेट नहीं हुई है, इसको टाइम लगेगा, तो ये मेरी बूंदी भी तैयार है। मैंने ना ये बहुत इजी ट्रिक से बनाया है, इसका भी शॉर्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे सारा मेरा बन चुका है, बस लड्डुओं को शेप देना बाकी है। बट मैंने ना आज थोड़ा कम बनाया है, क्योंकि मीठा मेरे को भी उतना पसंद नहीं आता है, और मेरे हस्बैंड को तो वो वैसे मेरे को डांटते रहते हैं, तो इतना मीठा बनाती है, मुझे ललचाती रहती है बना बना के। तो इसलिए थोड़ा कम बनाया है मैंने मंदिर के लिए, और एक दो एक्स्ट्रा बनाए हैं, बस हो गया। तो ये मेरी मंदिर के लिए प्लेट हो गई है तैयार, इसको रखेंगे फ्रिज में। गाइस, अब मैं आ गई थी बाहर, और मैं आज अपने गमलों में डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पेड़ पौधों को। और साथ ही मैं इसके ऊपर सारे गमलों में डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे पानी। और ये तो लगा है मेरा अदरक, आपको कुछ दिन बाद अदरक भी दिखेगा। और ये है मेरा क्या कहते हैं हल्दी, तो मैं यहीं से यूज़ करते रहती हूँ, और ये उगते रहते हैं, साथ ही साथ चलते रहता है दोनों चीज। फिर मैं क्या करूँगी ना, एक एक करके सब पे इन पे गुड़ाई भी कर दूँगी, और लास्ट में इन पे पानी डाल देंगे हम। तो ये तो दोनों चीज़ मैंने मीशो से मंगाया था, खाद वगैरह, और पेड़ काफ़ी सूख भी रहे हैं पानी डालते हुए पेड़ सूख रहे हैं। इसमें तो मेरे 3-4 पेड़ लगे हुए हैं, ये पता नहीं क्या उग रहा है, एक ये पता नहीं क्या है, ये टमाटर है, ये पता नहीं क्या है, ये लिली रेल लिली कहते हैं, क्या कहते हैं वो है। ये लिया है मैंने कैंडल होल्डर, जो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका भी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे आ गया है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। सो गाइस, मेरे गमलों का काम भी हो चुका है, अब मैं किचन में आई हूँ बेसन के लड्डू बनाने, जो मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं बनाए थे। तो मैं वही बनाने वाली हूँ, और फिर शाम के खाने की तैयारी भी करेंगे, बर्तन भी धो रहे हैं, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू बना के हालांकि किचन ख़राब हो गया है, तो वही करेंगे। उससे पहले पंखा चला लेती हूँ मैं। तो ये है मेरे बेसन के लड्डू, और अभी हम जा रहे हैं, मेरे पास पे ही लगती है मंडे मार्केट लगती है, तो वहीं हम जाने वाले हैं। तो लेना ऐसे कुछ है नहीं, बट ऐसे ही थोड़ा हमने कहा इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, तो हम चलते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जबकि हालांकि छोटी ही लगती है, और आधी रोड ये बनी हुई है और आधी नहीं बनी हुई है, तो शायद ये बनेगी। और उसके बाद हम जाएंगे नज़दीकी ग्रॉसरी स्टोर में, जो भी हमें सामान लेना है वहाँ से वो सब हम लेंगे, और फिर आएंगे हम घर। मॉर्निंग गाइस, तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, जैसे कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस फ्रूट्स वगैरह काटने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज फास्ट है ट्यूसडे, तो उसी की तैयारी करते हैं, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं। यहाँ पे मैं लग गई थी सुबह सुबह फ्रूट्स काटने में, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना बनू के इनको भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अपना नहा धो के पूजा वगैरह करती हूँ। क्योंकि सुबह अगर मैं पूजा करने बैठ जाऊँगी और चीज़ें करने लग जाऊँगी, तो काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे को पूजा करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है सब साफ सूफ करने में, तो इसलिए मैं ये सब पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मीठी रोटी, मतलब गुड़ वाली रोटी बना रही हूँ मैं यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए। इस आटे में मैंने डाला है नारियल का बुरादा और सौंफ और इलायची पाउडर, तो ये भी कुछ इस तरीके का लग रहा है।
इसमें मैं एक चम्मच घी भी डालती हूँ। उसके बाद मैं इसको गूंदना शुरू करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ का पानी डाला है अभी। ये गूंद गया है मेरा आटा, अब फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और ये मेरी रोटियां मैंने बनाई थी 5, और 5 मैंने लड्डू रखे हैं दोनों मिक्स करके, और ये रखी है बूंदी जो मैं लेके जाऊंगी मंदिर पे। फिर मेरी पूजा करने की सारी तैयारी हो गई थी। देख सकते हो आप कितने सुंदर से मेरे हनुमान जी लग रहे हैं यहाँ पे। मैंने उनको भोग भी लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़नी है 11 बार हनुमान चालीसा, जो मैं ट्यूसडे के दिन पढ़ती हूँ, और एक उसके बाद हम पढ़ेंगे बजरंग बाण। और यहाँ पे ना मेरी थाली भी तैयार थी जो मैं मंदिर लेके जाऊँगी। लोगों ने अपने मन से बहुत कुछ चढ़ाया हुआ है, हनुमान जी यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज निर्जला एकादशी भी थी तो लोग यहाँ पे मटके वगैरह चढ़ाए हुए हैं लोगों ने। मैंने कल लोगों को खरीदते हुए भी देखा था बहुत। अब मैं आ गई हूँ घर पे और फिलहाल मैं भी खा रही हूँ तरबूज क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। 10 बज गया आज तो, और फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। उसमें मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, पहले ये खा लेती हूँ उसके बाद बनाऊंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन क्रीम सैंडविच क्योंकि वही मेरे को खाने का दिल था। सो गाइस, मेरा पार्सल आया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था ना, मैं शॉपिंग करने गई थी तो उसी का मेरे पास आया है अपना पार्सल। तो ये है वो शूज जो मुझे वहां अच्छे लगे थे। थोड़ा लुक इनका कुछ इस तरीके का है। फिलहाल मैंने पायल को अवॉइड करो अभी। तो ये 41 साइज़ में मैंने लिए हैं, वैसे मुझे 40 आता है बट ये साइज़ अभी काफ़ी सही है। तो ये लिए हैं मैंने वेबसाइट से जो मुझे पड़े हैं 1700 रुपीज़ के, और काफ़ी अच्छे और काफ़ी अब मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। हल्का सा टाइट लग रहा है, शायद मैं पहनते रहूँगी तो ठीक हो जाएगा, बट आगे से नहीं लग रहा है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा यहाँ से दब रहा है, या तो मेरे पैर चौड़े हैं इस वजह से मुझे लग रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छे हैं। रात के खाने पे बनने लगी हैं आलू के पराठे और बिना प्याज लहसुन का, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है तो मैंने बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है, और अभी 6:45 हो गया है। अब मैं फटाफट इसको मैश करके फटाफट से पराठे बनाती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।